आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोगों ने कभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एक जगह का नाम सुना होगा जिसका नाम है मगन। तो आपको ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर मगन प्लेस है ये आज के टाइम पीरियड पर करेंटली किस कंट्री के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड है, या आप इसे इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हो कि मगन जो प्लेस है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो आप इसका आंसर जो है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनका लोग डेली बेसिस पे यूज करते थे और जिनके थ्रू हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता चली है, जिसके थ्रू हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफी सारी मिस्ट्रीज को यहाँ पर सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, अब इसी सीरीज में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है वो यहाँ पर क्या है, वो है सील, है ना। सील वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि आप मुझे बताओ कि इसका शेप कैसा है। तो इसका शेप अगर आप देखोगे तो ये आपको स्क्वायर शेप का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो एनिमल मोटिव्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब सील्स पर अलग अलग तरीके के एनिमल्स का जो है वो प्रिंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब इस चीज का डिपिक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सील के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि ये किस तरीके की स्टोन से बनी होती थी। ये स्टीयटाइट नाम का जो स्टोन आपको देखने को मिल रहा है या सेलखिड़ी नाम की जो चीज देखने को मिलती है उससे यहाँ पर ये बनी है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना है कि सील के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक स्क्रिप्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कैसी है, जो पिक्टोग्राफिक है ना, मतलब इसमें अल्फाबेट वगैरह का यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, न्यूमेरिकल्स वगैरह का यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। पिक्चर्स के बेसिस पे जो है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। और सील वगैरह का मेनली अगर आप यूज देखोगे तो उससे हमको ये समझ में आता है कि भाई बिजनेस एक्टिविटीज या जो ट्रेड एक्टिविटीज थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके की यहाँ पर होती थी, वो सब इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर पता चलती है। आप मुझे एक बात बताएंगे, पर्शियन गल्फ में जो एक सील यहाँ पर मिली है जिसे हम लोग पर्शियन सील या पर्शियन गल्फ सील यहाँ पर कहते हैं, उसका शेप कैसा है? इसका भी आंसर आपको जो है वो यहाँ पर क्या करना है, आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि पर्शियन गल्फ जो सील है उसका शेप कैसा है, क्या वो स्क्वायर शेप का है या कोई दूसरा शेप आपको देखने को मिलता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली जो इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में, मतलब कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह हुए हैं उसमें ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें मड ब्रिक्स का यूज किया गया है, बेक ब्रिक्स भी यहाँ पर जो है वो यूज करी गई है, और एक स्टैंडर्ड रेशियो जो है वो ब्रिक्स का आपको देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट में एक प्रॉपर रेशियो है ना। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैक्सिमम साइट में इसी तरीके की रेशियो वाली जो ब्रिक्स है उनका यहाँ पर यूज किया गया है, जिससे हमको ये पता चलता है कि पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन था उसको पहले प्लान किया गया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया गया, उसके बाद वो एस्टेब्लिश होता हुआ आपको दिखाई दिया। तो आपको याद रखना है लेंथ, ब्रेथ और हाइट में जो रेशियो आपको देखने को मिलेगा वो 4:2:1 है। इसका मतलब है कि जो ब्रिक्स की लेंथ होती थी वो हाइट का 4 टाइम्स है, और जो इसकी ब्रेथ है वो अगर आप देखोगे तो वो हाइट का 2 टाइम्स है, और लेंथ जो है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे ये गाना है ना 1:2:4, तो आपको क्या करना है, उल्टा लिखना है, 4:2:1 जो है वो यहाँ पर लिखना है, तो उससे आपका ये आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली चीज अगर हम देखेंगे गाइस तो हमें अलग अलग तरीके के ब्यूरल्स भी जो है वो देखने को मिले हैं, और इन ब्यूरल्स के थ्रू भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो हमको यहाँ पर पता चलती है। जैसे सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन पता चलेगी। सोशल डिफरेंसेस में अगर आप देखोगे तो एक ही पिट में 2 डेड बॉडीज आपको देखने को मिल रही है, कहीं पर अगर आप देखोगे तो पॉटरी वगैरह देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर अगर आप देखोगे तो आपको ठीक है लाइनिंग जो आपको ब्रिक्स से देखने को मिल रही है वो देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग पिरामिड्स के बारे में देखेंगे तो पिरामिड्स में भी अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिल रही है इजिप्ट में, तो उसी तरीके की चीजें जो है ना वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इनके ब्यूरल साइट्स को स्टडी करके भी इनके जो अलग अलग तरीके के सोशल डिफरेंसेस हैं उनको भी आप यहाँ पर जान सकते हो, समझ सकते हो। कई जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि पिट्स में ब्रिक्स वगैरह लाइनिंग वगैरह यहाँ पर बनाई गई है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसको यहाँ पर ठीक है मैन्युफैक्चर किया गया है। कई जगह पर अगर आप देखोगे तो ज्वेलरी वगैरह जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन आपको याद रखना है कि गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी आपको ब्यूरल से यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, जो बीड्स वगैरह है वो सब चीजें मिलेंगी। और इसमें आपको याद रखना है कि कॉपर मिरर्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले जो यहाँ पर मेटल यहाँ पर यूज करी थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉपर।
लेकिन ये जो पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि कॉपर में जब आप टिन को मिलाओगे तो इसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी थोड़ा बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो कॉपर और टिन का जो मिक्सचर यहाँ पर होता है, इससे क्या बनता है? इससे ब्रॉन्ज बनता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब उसके साथ ही साथ इनके सोशल डिफरेंसेस को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो कई अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे भी आप इन पर्टिकुलर सोसाइटी के रहने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो। इसमें दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं गाइस, एक तो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट है और एक है लग्जरी ऑब्जेक्ट। लग्जरी ऑब्जेक्ट में जैसे कॉपर हो गया है ना, लापिस लजूली हो गया, या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो सिल्वर वगैरह होता है। क्योंकि कॉपर मिनट्स में आपको इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जो है वो आयरन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, है ना। वैदिक टाइम पीरियड पर अगर हम चलेंगे, महाजनपदास वगैरह का जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आयरन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर कॉपर मिनट्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स आपको वो देखने को मिलती है जिनमें आप जिनका डेली बेसिस पे यूज करोगे, ठीक है, सभी लोग उसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन लग्जरी ऑब्जेक्ट वो है जो केवल कुछ ही साइट्स पर मिली, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे जो बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे वहां पर आपको ये चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो गोल्ड वगैरह की होर्डिंग या होर्ड्स में मिले हैं, ठीक है। जैसे पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि जो है ना थोड़ा सा महंगी चीजें होती थी उसको जमीन में गाड़ कर रख देते थे, है ना, ताकि वो प्रोटेक्टेड यहाँ पर रहे। तो उस तरीके की होर्डिंग्स में अगर आप देखोगे तो गोल्ड वगैरह जो है वो आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पर यूज की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये रेड कलर का स्टोन आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कार्नेलियन बोलते हैं, जिस पर आपको देखने को मिल रहे हैं ये बीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बीट्स में भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की शेप्स हैं, और इवन हिस्टोरियंस आज भी जो है वो इस बारे में सोचते हैं कि ये माइक्रो बीट्स, जो छोटी छोटी बीट्स यहाँ पर बनाई गई है, इनको बनाया कैसे गया है, इनको शेप में कैसे लेकर आया गया, तो उस टाइम पीरियड पर क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, कैसे उन चीजों को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया, उसके बारे में उतनी क्लियर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। चनुदारो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि पाकिस्तान में है। ये बीड और आप ये मान लीजिए कि जितने भी अलग अलग तरीके की क्राफ्ट वगैरह का प्रोडक्शन होता था वो चनुदारो में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो चनुदारो एक टाइनी सेटलमेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्राफ्ट का ही जो है वो प्रोडक्शन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब चीजें यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें आपको इस तरीके से यहाँ पर समझनी है। इसके बाद गाइज मैंने आप लोगों को है ना एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर क्या है, मगन, है ना। सो मगन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मगन अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये ओमान में देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आज के टाइम पीरियड पर कौन सी कंट्री है जो मगन के साथ एसोसिएटेड है, तो ओमान हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक दिलमन नाम की जगह देखने को मिल रही है जो कहाँ पर है, जो बहरीन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया बहरीन, उसके बाद ये मेसोपोटामिया हो गया, उसके बाद अगर आप देखोगे मेलुहा, ठीक है, मेलुहा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनको यहाँ पर कहा जाता था। एक यहाँ पर चीज बताई गई है कि एक हड़प्पन जार है जो कि ओमान में मिला, इसमें इस तरीके की कोटिंग करी गई है ताकि ट्रांसलोकेशन वगैरह जो पानी वगैरह का रिसाव होता है उसको यहाँ पर रोका जा सके। लेकिन हमें इसके बारे में ये नहीं पता है कि इसका एक्चुअल जो यूज होता होगा वो यहाँ पर क्या होता होगा। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ओमान से जो है वो कॉपर आता था, और हमें ये चीज मिल रही है कि भैया ये वाला जो पर्टिकुलर जार है ये ओमान में मिला है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से गया होगा, उसके बदले हम कॉपर वगैरह लेकर आए होंगे। कॉपर की जब मेटलर्जी यहाँ पर करी गई तब यहाँ पर ये पता चला कि उसमें कॉपर के साथ जो है वो टिन भी यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो टिन आप ये मान लीजिए कि जैसे कॉपर के साथ अगर आप देखोगे, आई एम सो सॉरी, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो कॉपर और टिन को हमने मिलाया तो ब्रॉन्ज मिल गया, लेकिन ये जो कॉपर हम लेकर आए हैं ना इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें निकल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने जब यहाँ पर, ठीक है, उसकी मेटलर्जी करी तो हमको मिला कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कॉपर है उसमें भी निकल है, ओमान के कॉपर में भी निकल है। तो इससे ये पता चलता है कि इनके बीच में ट्रेड वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलता होगा। ये पर्शियन गल्फ सील आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका शेप कैसा है गाइस। इसका शेप अगर आप देखोगे तो ये आपको स्क्वायर शेप का जो है वो देखने को मिलता है। ये पॉइंट अभी आपको याद रखना है। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिफैक्ट वाली चीज है, उसे हम बोलते हैं इनकी स्क्रिप्ट, है ना। तो इनकी स्क्रिप्ट अगर आप देखोगे तो ये लोग किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ लिखते थे। अब जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, ये लोग कैसे लिखते हैं, ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, मतलब यहां से यहां तक जाएंगे, उसके बाद ये फिर इस तरीके से आएंगे, फिर ये इस तरीके से जाएंगे, ऐसे लिखा जाता था। तो इनकी जो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट की स्टाइल आपको देखने को मिलेगी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बेस्ट्रोफेडॉन स्टाइल जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं सील के ऊपर भी अलग अलग तरीके की स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड
करी गई है। अब जितने भी अलग अलग तरीके के साइंस हैं वो यहाँ पर यूज किए गए, तो अगर आप अलग अलग तरीके की स्क्रिप्ट को पढ़ते हो समझते हो जो हिस्टोरियंस ने हमारे लिए किया है, तो उनको करीब ना 375 से 400 अलग अलग तरीके के साइंस यहाँ पर मिले हैं जिनका यूज करके कोई भी चीज यहाँ पर लिखी जाती थी। सबसे बड़ी जो स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी उसमें टोटल कितने साइंस है, टोटल 26 साइंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर लिखी गई है उसमें अलग अलग तरीके के साइन का यूज किया गया है, कितने 26 का, और वो चीज यहाँ पर एग्जीक्यूट करी गई है। ये कैसी है, रहस्यमयी है, एनिग्मेटिक है, क्यों? क्योंकि इसको अभी तक डिसाइफर यहाँ पर नहीं किया गया है। अब डिसाइफर नहीं किया गया है तो हमको ये नहीं पता चलता है कि उसमें लिखा क्या है। और याद रखिएगा, जिस चीज को हमने स्क्रिप्ट अवेलेबल है लेकिन हम उसको रीड नहीं कर पा रहे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोटो हिस्ट्री का टाइम पीरियड कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर किसका टाइम पीरियड है, वो प्रोटो हिस्ट्री के टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेगा। और इस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज जो है वो हमको यहाँ पर पता चल रही है। अब उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है, उसमें हम वेइंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो वेट वगैरह यहाँ पर यूज किए गए हैं उनके बारे में हमको बात करना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो वेट सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है ये किसका बना हुआ है, चर्ट का बना हुआ है। जो सील आपको देखने को मिली है वो किससे बनी है, वो स्टीयराइट से बनी है। वेट किससे बने हैं, वेट जो है वो चर्ट से बने हैं। वेट का जो शेप है वो कैसा है, वो क्यूबिकल है, इसमें कोई मार्किंग नहीं है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, कोई मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो लोअर वेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो बाइनरी है। बाइनरी मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, ये सब है। और जो हाइयर वेट आपको देखने को मिलेंगे ना वो डेसीमल में है, डेसीमल मतलब 100, फिर उसके बाद 10, 1000, इस तरीके से है ना, 10 के मल्टीपल पर जो है वो चीजें देखने को मिल रही है। और उसके बाद एक यहाँ पर मेटल स्केल पैन तराजू भी यहाँ पर मिला है, इसकी फोटो भी आप देख सकते हैं, ये भी है। इसका मतलब है कि एक्सचेंज वगैरह के प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि प्रॉपर तरीके से उसका वेट वगैरह करके चीजों का एक्सचेंज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आप लोग और भी अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट देख सकते हैं। ये मदर गॉडेस है, मदर गॉडेस का जो आर्टिफैक्ट हमको यहाँ पर मिला है इसको हम ये मान सकते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पर जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनकी पोजीशन काफी अच्छी रही होगी, उनकी पूजा यहाँ पर की जा रही है। फिर ये प्रोटो शिवा है, प्रोटो शिवा की सील भी यहाँ पर आपको देखने को मिली है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोटो शिवा की सील है ना। और इनको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि वैदिक जो रुद्र है उनके साथ भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन उनके बीच में कोई आपको है ना सॉलिड रिलेशनशिप जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारे के सारे आपके आर्टिफैक्ट्स हैं और इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी फैक्ट जो है वो आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। बाकी आप हमारे साथ अपने सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा कूपन कोड जो है वो जरूर यूज करें जिसका नाम है बॉन्ड। आप इसको यूज करेंगे, जो भी उस टाइम पीरियड पर मैक्सिमम डिस्काउंट रहा होगा या चल रहा होगा वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस कोड को यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहे और आप अपनी एग्जामिनेशन के लिए चीजों को प्रिपेयर अच्छे से करते रहो। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।